कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इस पर अपन बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन है अभी कंप्लीट नहीं हुई है उन क्वेश्चंस के लिए, उन क्वेश्चंस के लिए अपन इतने ज्यादा मजबूत नहीं हुए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने आप को और प्रिपेयर करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उस पर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस अपन को प्रैक्टिस करना है। जैसे ही अपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे अपन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बड़ी रफ्तार के साथ अपन उन्हें खेल पाएंगे विथ एक्यूरेसी की जो करेंगे बिल्कुल सही जाने वाला है। अब क्वेश्चन तो वही है, कंपाउंड गिवन है, जीआई निकालना है, पीओएस निकालना है, सीओएस निकालना है, ये बताना है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, वही क्वेश्चन है। लेकिन कंपाउंड चेंज हो चुके हैं। अब यहां पर देखो नैस कंपाउंड 10 तक अपन प्रैक्टिस कर चुके थे, नैस जो 11th कंपाउंड है वो हमारे पास कुछ इस तरह से। अब जीआई देगा या नहीं, साइक्लो कंपाउंड है, जीआई की कंडीशन क्या है, अगर सिग्मा बॉन्ड के अलोंग देना है तो एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। यहां पर इसको देखोगे एक CH3 एक H, एक CH3 एक H, एक H और CL, इसके तो 3 मेंबर की आ रही है, हमें 2 मेंबर की चाहिए होती है, तो ये जीआई तो दे देगा, ये कंफर्म बात है। अब पीओएस की बात करते हैं, पीओएस है या नहीं। अगर अपन मॉलिक्यूल को आप इस तरह से काटने की सोच रहे हो कि इस तरह से एक प्लेन काटें, एक इमेजिनरी प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करें, तो ये POS तो नहीं होगी, क्योंकि यहां पर देख रहे हो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। एक CH3 आपके वेज पर है तो एक CH3 आपके डैश पर है, मतलब अलग अलग हैं, ठीक है, मतलब ये POS नहीं हो सकती है दोस्त, ठीक है। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है। अब COS की बात करें तो इस पॉइंट से अगर देखोगे तो इस पॉइंट से इधर जाओगे तो CL मिलेगा, इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, H मिलेगा। इक्वल डिस्टेंस जाने पर अपोजिट डायरेक्शन में आपको अगर सेम ग्रुप नहीं मिल रहे हैं मतलब COS नहीं हो सकती, ये पॉइंट भी COS नहीं हो सकता है। POS है नहीं है, COS है नहीं है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। फोर्थ को देखो, नेक्स्ट 12th वाले को देखो, 12th वाले में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, जीआई देगा या नहीं, साइक्लो कंपाउंड है, सिग्मा के अलोंग एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। इस कार्बन को देखो, एक एच एक्सीएल, एक एच एक्सीएल, डिफरेंट वैलेंसी आ रही है, मतलब जीआई तो ये दे देगा, ये कंफर्म बात है। अब बात करते हैं पीओएस है या नहीं। आप मॉलिक्यूल को इस तरह से काटें यहां से, ठीक है, तो यहां पर H और CL की टेंशन लेनी नहीं, यहां पर एक H भी होगा, यहां पर भी एक H होगा, ये बेसिकली इस तरह से होंगे और इस तरह से जब काटेंगे तो ये आधे आधे कटने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक वो वीडियो देखे पहले वाली, वहां पर आपको समझ आएगा कि ऐसे वैलेंसी जो प्लेन को टच करती है उन्हें आप पीओएस में कंसीडर नहीं करते हो, क्योंकि ये आधे आधे कटने वाले हैं भाई, ये कुछ इस तरह से हैं और इस तरह से हैं, तो यहां से सीएल और एच आधा आधा कटेगा और आधा आधा कटेगा, तो ये पार्ट दूसरे पार्ट की क्या हो रही है, मिरर इमेज हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है मतलब पीओएस तो प्रेजेंट है, सीओएस होगी या नहीं। अगर इस पॉइंट को अगर देख रहे हो आप, तो इस पॉइंट में आप देख रहे हो कि ये आपका एक सीएल है इक्वल डिस्टेंस पर, यहां पर आपको ऐसा मिल रहा है भाई, ये डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम नहीं है, और डिस्टेंस सेम नहीं है मतलब ये सीओएस नहीं हो सकता है, पीओएस प्रेजेंट है, सीओएस नहीं है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। नेक्स्ट अगर 13th वाले को देखें, 13th वाला हमारे पास कुछ इस तरह से, जीआई तो देगा कंफर्म बात है, एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी है भाई, एक एच एक्सीएल, एक एच एक्सीएल। पीओएस की बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह से हो सकती है, ठीक है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, आप सोच रहे हैं ऊपर एक नीचे, बेसिकली ऐसा है, एक एच एक सीएल आधा आधा कट रहा है, आधा आधा कट रहा है, तो इन्हें टेंशन ही नहीं लेनी है भाई इनकी, तो ठीक है, मतलब पीओएस तो प्रेजेंट हो जाएगी। सीओएस है या नहीं, यहां पर सीओएस प्रेजेंट है दोस्त, किस तरह से, अब अगर यहां पर आप देखोगे यहां पर सीएल, यहां पर सीएल, इक्वल डिस्टेंस जाने पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप मिल रहा है आपको, तो सीओएस तो प्रेजेंट हो जाएगी, पीओएस भी प्रेजेंट है, सीओएस भी प्रेजेंट है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। नेक्स्ट 14th वाले कंपाउंड को अगर थोड़ा सा देखें तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक नया कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है, और नया कंपाउंड आता है तो नई एनर्जी के साथ आता है वो, ठीक है, आपको कंपाउंड को देखकर एनर्जी मिलनी चाहिए दोस्त, ठीक है, जैसे ही आप कंपाउंड को देखो आपको मिलना चाहिए एनर्जी, निकल रही है यहां से, तो ठीक है, तो
केमिस्ट्री जो एक अपना एक फील है दोस्त, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री आप सिर्फ नंबर के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसमें अपना एक फील होता है, ठीक है, जैसा टीचर को फील आता है वैसे स्टूडेंट को फील आना चाहिए, तब केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओगे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनसे बहुत मोहब्बत होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर आए तुम्हारा दिल खुश होना चाहिए, जैसे कोई तुम्हारे सामने से निकलता है या निकलती है तो तुम खुश हो जाते हो, उसी तरीके से जैसे ये कंपाउंड आने चाहिए तुम्हारे मन में वो खुशी जो होती है वो निकलनी चाहिए दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड को देखो, मुझे कंपाउंड को देखकर बहुत खुशी होती है, नए नए कंपाउंड को देखकर, ठीक है। 14 वाले को देखो, 14 वाले में जीआई है या नहीं है भाई, ठीक है। एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी, एचसीएल एचबीआर एचसीएल एचबीआर डिफरेंट वैलेंसीज तो आ रही है अलग अलग मेंबर की, दो की चाहिए थी चार की है, मतलब जीआई तो दे देगा। पीओएस की बात करें, पीओएस है या नहीं है भाई, अगर आप इस तरह की पीओएस सोच रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है भाई, यहां पर पीओएस पॉसिबल नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो सकती है। सीओएस है या नहीं, सीओएस की बात करेंगे तो यहां पर ये मतलब सीओएस तो है, पीओएस अब्सेंट है, सीओएस है ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 15 वाले को अगर बात देखें अपन थोड़ा सा, तो जीआई तो दे देगा, कंफर्म बात है, जीआई के क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए हैं भाई, ठीक है, बार बार उसी वर्ड को दोहराना, ठीक है, आप भी बोर हो रहे हो, मैं भी बोर हो जाता हूं बेटा, एक ही वर्ड को दोहराते रहते, ठीक है। तो जीआई में सिंपल सा याद रखना है, साइक्लो कंपाउंड में अगर जीआई देना है सिग्मा के अलोंग, तो एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी, पाई के अलोंग देना है, रिंग 8 मेंबर मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि बिलो 8 मेंबर रिंग ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। जीआई ये सिग्मा के अलोंग तो दे देगा, पाई है नहीं इसलिए पाई के बारे में सोच नहीं रहे हैं। अब यहां पर अगर पीओएस की बात करें तो पीओएस तो पॉसिबल है, अगर आप मॉलिक्यूल को यहां से काटोगे बीआर आधा आधा कट जाएगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज होने वाली है, पीओएस तो है। सीओएस है या नहीं, यहां पर सीओएस नहीं हो सकती, यहां बीआर मिल रहा है, यहां पर तो आपको एच मिलेगा, मतलब सीओएस तो नहीं है, और सीओएस नहीं है, पीओएस है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। 16th वाले क्वेश्चन को देखें, 16th वाला क्वेश्चन जब आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आप बात करते हैं कि पीओएस है या नहीं है भाई, ठीक है, जीआई तो देगा, कंफर्म बात है, एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी है भाई। अब यहां पर अगर पीओएस की बात करें, आप अगर मॉलिक्यूल को कुछ इस प्लेन से काटते हैं, स्प्लेन से काटते हैं, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज हो रहा है, ठीक है, पीओएस है। सीओएस की बात करते हैं, सीओएस होगा या नहीं, ये ऊपर बी आर, ये बी आर, मतलब सीओएस तो पॉसिबल नहीं है दोस्त, पीओएस है, सीओएस नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। नेक्स्ट अगर 17th वाले को देखें, तो यहां पर सीओएस, यहां पर जीआई तो देगा, POS है या नहीं, POS भी है, यहां पर अगर मॉलिक्यूल को इस प्लेन से काटोगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज होने वाला है। COS होगी या नहीं, COS तो नहीं होगी, यहां पर CL मिल रहा है, यहां पर BR मिल रहा है, COS तो नहीं होगी भाई, POS है, COS नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई, ठीक है, जैसे ही नया कंपाउंड आएगा तुम्हारे मन में खुशी अपने आप होने लगेगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18th को कि भाई POS है या नहीं है, POS है या नहीं है, आप मॉलिक्यूल को स्प्लेन से काटो, स्प्लेन से काटो, ये सीएल सीएल आधा कट गया, ये पार्ट इस पार्ट की मिरर इमेज हो जाएगी, जीआई तो दे देगा, पीओएस भी प्रेजेंट है, क्या सीओएस प्रेजेंट है, सीओएस प्रेजेंट है क्या भाई, यहां पर सीओएस प्रेजेंट नहीं है, इधर सीएल सीएल सेम डिस्टेंस पर आएगा, लेकिन ये बीआर बीआर सेम डिस्टेंस पर नहीं आने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर सीओएस नहीं होगी, पीओएस है, सीओएस नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीओएस। तो इन क्वेश्चन को इस तरह से करना है, ठीक है, बड़ा ऐसा लगता है कि कोई टास्क कर रहे हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो ऐसा लगता है बड़ी एक टास्क आ रही है छोटी छोटी सी, ये निकालना कि पीओएस है या नहीं, सीओएस है या नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, मतलब इन चीजों को जितनी रफ्तार के साथ आप खेल सकते हो उतनी रफ्तार के साथ खेलो, क्योंकि जितनी रफ्तार के साथ खेलोगे उतने ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन के लिए, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे बड़ी रफ्तार के साथ अपन इन्हें खेल सकते हैं, ठीक है। अभी ये वाले क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं दोस्त, ठीक है, अभी तो अपन ने सिंपल कंपाउंड में देखे हैं भाई, साइक्लो कंपाउंड में देखे हैं, अल्कीन में देखे हैं, अब बात आती है कि कॉमुलेटेड पॉलीन में आप ओ आई कैसे फाइंड करोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, और जो बाईफिनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनमें आप किस तरह से फाइंड करोगे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, उनकी बात अपन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, जय हिंद जय भारत।